वृंदावन का तीन स्वरूप है, एक दृश्यमान, एक अप्रकट, एक प्रकट। तीन वृंदावन, इस दृश्यमान जो वृंदावन है, जो वृंदावन में हम विराजमान हैं, हम स्थित हैं, ये वृंदावन तीन प्रकाश है, एक दृश्यमान, एक प्रकट, एक अप्रकट। दृश्यमान है जैसे देख रहे हैं बाहरी जगत के साथ, इसका कोई विशेष कुछ परिवर्तन दिखता नहीं है। यहाँ के लोग जान, यहाँ के लोग जान, यहाँ भी चोर चुट्टा बदमाश है, यहाँ भी सब दुष्ट लोग है, यहाँ भी लता पता गुलम घर मकान दुकान सभी एक साथ दिखता है, बस विशेष कुछ तो दिखता नहीं, यह है दृश्यमान। वास्तव में ये नहीं, ये माया के द्वारा इस तरह से माया इसको ढक के रखे हैं, इसके स्वरूप को चिन्मय, चिन्मय स्वरूप को आवरित करके रखे हैं। और ये वृंदावन के अंदर और एक वृंदावन है, वह है प्रकट वृंदावन। प्रकट वृंदावन माने जहां भगवान ये जो द्वापर युग में आकर जो लीला किए हैं, यह है प्रकट वृंदावन। और एक अप्रकट वृंदावन नित्य गोलोक धाम में, अप्रकट वृंदावन वो तो आते नहीं जाते नहीं, वो भी व्याप्त है इस वृंदावन में। जन्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपी रास विलास। जन्म चक्षु से दिखता है जैसे प्रपंचेर सम, और साधन करके जब वो प्रेम नेत्र मिलता है, इस नेत्र में ही उसको प्रेम नेत्र, एक अलग नेत्र भीतर से एक दिव्य दृष्टि खुल जाता है, उस प्रेम नेत्र से वो देखने में समर्थ हो जाते हैं, वही चिन्मय, वही वृंदावन के दिव्य धाम, लता गुल्म आदि सब, ऐसे ही सब दिव्य सब कुछ विराजमान है, यही विराजमान है, ये गोलकधाम जाने का आवश्यकता नहीं, यहीं पर सब और चिन्मय धाम ये विराजमान है। वृंदावन में एक साधु थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 50-60 साल ऐसे होगा, वृंदावन वर्षण में एक बाबा रहते थे, वो किसी से उतने मिलते जुलते नहीं थे। रास्ते में चलते चलते कहीं मकान दुकान के उधर जा करके कहीं नाला में गिर जाते हैं, कहीं खंभे में धक्का खा जाते हैं, ऐसी स्थिति, रास्ता छोड़ के कहीं चल पड़ते हैं, किधर जा रहे कोई ठिकाने की, कोई खंभा में धक्का लग जाता है, कभी तो नाला में गिर जाते हैं, सब अगर अरे अरे बाबा गिर गया, अरे बाबा का चोट लग गया, माथे में चोट लग गया, पकड़ो पकड़ो, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो आँख खराब हो गया बाबा का, चलो दिखाओ, डॉक्टर देख के कहते हैं ना इनका तो कोई आँख में तो खराबी है नहीं। बाबा से पूछा गया, बाबा ऐसे क्यों आप, क्या बात है, कोई भक्त है उससे, वो बाबा से बहुत आग्रह किए, बाबा आप बता ना क्या बात है, आपका आँख में तो खराबी है नहीं, आप सब देखते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है, चलते चलते आप कहीं इधर उधर चल पड़ते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कहीं ठोकर खा जाते हैं, कहीं खंभे में लग जाता है, कहीं नाला में गिर जाते हैं। तो उससे कहते हैं जी भैया बात ऐसे है ना, कभी कभी हमारे ना चलते चलते इस घर मकान दुकान कुछ दिखता नहीं है, देखते हैं वही निकुंज भवन, वही दिव्य सरोश्वर्यपूर्ण सरोरित वन वनसभा, वहाँ लता गुल्म परिवेष्टित सुंदर हीरा मोती कांचन बिखरा हुआ रास्ता, जैसे ऐसे कुंज की ओर वो रास्ता गई है, तो हम चल पड़ते हैं, तो जा करके जब ठोकर खाते तो देखते तो नहीं, ये तो रास्ता फंसता कुछ, ये तो हम तो गिर गए हैं, ऐसा तो है नहीं। ये प्रेम नेत्र खुल जाता है, यही नेत्र, इस नेत्र में ही तुम उस दिव्य वृंदावन की वो दिव्य शोभा, दिव्य आनंद तुम प्राप्त कर सकते हो। गोलोक धाम जाने का आवश्यकता नहीं, ये वृंदावन की विशेषता, ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं। हमारे नरोत्तम ठाकुर जब दीक्षा प्राप्त किया है, दीक्षा प्राप्त करते हो तो पार्षद तनु है, दीक्षा प्राप्त करते ही उनका दिव्य दृष्टि खुल गया, वृंदावन को देखते हैं दिव्य वृंदावन, अलौकिक दिव्य
जगमायाकृत और दिव्य वृंदावन के झांकी देखते हैं। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, नरोत्तम देखो हम शौच क्रिया के लिए तो जाते हैं ना, यहाँ तो लीला स्थली है ना, यहाँ के जो राज है इससे हमको हाथ मिट्टी करने में थोड़ा सा शुद्धाचार के लिए हमको बड़ा संकोच होता है, लीला स्थली है ना, तो तुम जाके थोड़ा सा टोकरी लेकर थोड़ा सा खेत से इधर से कहीं अच्छा मिट्टी ले आओ जो रोज रोज हम हाथ साफ करेंगे। नरोत्तम ठाकुर टोकरी लेके निकाल कर उनको दिखता है दिव्य वृंदावन के झांकी, वो रास्ता घाट दिखता ही नहीं, दिखता है क्या वो निकुंज भवन की वो हीरा मोती बिखरा हुआ, हीरा मोती चूर्ण डस्ट, हीरा मोती सब ये सब चूर्ण डस्ट जैसे मिट्टी नहीं ऐसे दिखता है, चमक रहा है ऐसे रास्ता घाट, सुंदर सुंदर गली निकुंज भवन ये दिखता है, मिट्टी दिखता ही नहीं। टोकरी लेके चल दिया मिट्टी लाने के लिए, चलते 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 एक दिन बीत गया, जब ब्रज जहां समाप्ति हुई आगरा के पास, वहां जाकर के उनको मिट्टी मिली, वहां जाकर के एक टुकड़ी मिट्टी लेकर के फिर जाने में एक दिन फिर आने में एक दिन, दो दिन पीछे आ गए हैं नरोत्तम। इधर तो गुरुदेव ढूंढ रहे हैं, अरे नरोत्तम कहाँ गया, नरोत्तम कहाँ गया, ये जंगल के ये तो स्थान है ना जाने, कोई तो शेर भालू तो घुसा करके तो कोई अनर्थ तो कर नहीं दिया, चिंतित है। दो दिन बीत गया, दो दिन पीछे टोकरी भर के मिट्टी लेकर आ रहे हैं पसीना से लथपथ होकर के भूखे प्यासे, अरे नरोत्तम तू कहाँ गया था, गुरुदेव मिट्टी लेने गए थे, अरे पागल मिट्टी लेने कहाँ गए थे, इधर ही तो खेत है यहाँ से ले आते, तो क्या तू कहाँ गया था, कहाँ गुरुदेव यहाँ तो कोई मिट्टी हमको मिली ही नहीं, तो क्या करें। तो हमको चलते चलते एक दिन तो बीत गया, हम यहाँ देखते से हीरा मोती बिगड़ा हुआ, तो एक दिन हमको चलने में लग गया, आने में एक दिन लग गया, क्या करें। गुरुदेव समझ गए इसका दिव्य दृष्टि खुल गया, दिव्य नेत्र खुल गया, चिन्मय स्वरूप ये देखने में समर्थ हो गया, धन्य है नरोत्तम धन्य, ये वृंदावन वही वृंदावन वो वृंदावन रूपासना हम करने के लिए आए हैं ब्रज में, लेकिन ब्रज के प्रति हमारी वो आदर बुद्धि वो निष्ठा है नहीं, इसको हम साधारणी एक साधारणीकरण करके इसको साधारण ज्ञान करते हैं, वही ब्रजरज वही ब्रज लता गुल्म आदि है, भगवान जब चले गए हैं नित्यलोक में तब ये ब्रज रस को उठा के ले नहीं गए, वही रज अलग रज नहीं वही रज, लेकिन हमारे भावना हमारे दृष्टि हमारे मानसिकता हम देखते हैं साधारण मिट्टी, वही गिरिराज गोवर्धन अलग गोवर्धन नहीं, जिस गोवर्धन में भगवान लीला विहार करते थे वही गोवर्धन है, लेकिन हम तो देखते हैं ऐसी परिक्रमा देते हैं कोई हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं। ये वृंदावन हमारे उपासना के प्राण केंद्र है, ये ब्रज वृंदावन